भाजपा एक परिवार है, परिवार के शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है वो सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेवारी के लिए चुना। शीर्ष नेतृत्व का, सभी का, जिला अध्यक्ष जी का, सभी का धन्यवाद। चुनौती 2022 भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक विचार है, और अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है जी। तो ये एक विचार के कारण ही है, इसलिए हमारे सामने कोई चुनौती ना थी ना है। मनोज जी, किस आखिरकार किसकी वजह से आपको ये पद मिला है? कहीं ना कहीं सांसद जी का प्रेम ज़्यादा झलका? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार में सारे निर्णय जो है हमारे यहाँ सामूहिक होते हैं और परिवार के सभी लोग मिलकर ये निर्णय लेते हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति का या किसी एक उसका नहीं होता। सभी ने सामूहिक निर्णय लिया है और जो निर्णय पार्टी ने दिया मुझे स्वीकार है। और वो क्योंकि लड़ाई तो आप जिला अध्यक्ष के लिए लड़ रहे थे, लेकिन महामंत्री का पद आना? नहीं, हमारे यहाँ लड़ाई होती नहीं है कभी किसी पद के लिए जी। मास्टर जी एक अनुभवी अध्यक्ष है, उनको अध्यक्ष चुना गया है, पार्टी ने वो जिम्मेवारी उनको दी है। हमारे यहाँ कोई पार्टी में जिम्मेवारी से नहीं होता, परिवार के रूप में हम लोग सामूहिक सब लोग काम करते हैं और करेंगे। मनोज जी, पूरी टीम लगभग गठित हो चुकी है, 2-4 पद ही हैं जो रह चुके हैं, पूरी टीम सही है? 100% परिवार के सभी लोगों का, जिसको जिसकी जो उपयोगिता थी, और जिन लोगों को कोई पद नहीं मिला ऐसे नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते थे या उनमें वो खूबी नहीं थी, पर पार्टी को पदों के लिए भी किन लोगों को जिम्मेवारी देनी थी, ये जिम्मेवारी है ना, कि हमारे यहाँ पद का कोई ऐसा काम नहीं होता। जिम्मेवारी है, पार्टी ने जिसको दी है, और सब लोग मिलकर काम करेंगे। जिनके पास हम जिम्मेवारी नहीं भी है वो सब लोग, हम सब लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। मनोज त्यागी जी, आप पार्षद रहे, जोन चेयरमैन रहे, पार्टी के अनेकों पदों पर रहे।